सोलन में मोहन पार्क के समीप टनल में एक व्यक्ति गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सोलन अस्पताल पहुंचाया गया। व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार जब कुछ लोग रेलवे टनल के समीप से निकल रहे थे तो उनकी नजर अचेत अवस्था में पड़े घायल व्यक्ति पर पड़ी, जिसके सिर से खून निकल रहा था। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को दे दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे अस्पताल लाया गया। इस मौके पर ईएमटी विनोद ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली, वह तुरंत मौके पर पहुंचे तो पाया कि व्यक्ति अचेत अवस्था में रेलवे टनल के समीप गिरा पड़ा है, जो घायल अवस्था में था, जिसे उन्होंने प्राथमिक उपचार देते हुए अस्पताल लाया। उन्होंने बताया कि घायल की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। 8 बजे के करीब एक कॉल आया कि एक कोई व्यक्ति जो है रेलवे ट्रैक का जो पुल होता है उसके ऊपर से कोई लगभग 30 फीट की हाइट से गिरा है और जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड है। चोट उसकी जो है सिर में चोट है, जो काफी डीप कट है और सर्वाइकल इंजरी भी है, बैक में भी इंजरी है और इंटरनली शोल्डर भी इंजर्ड है। और हम जो है अपने हॉस्पिटल से रवाना हुए, वहां सीन पे पहुंचे तो सीन पे हमने देखा तो काफी गंभीर स्थिति में था, तो हमने जो है पुलिस की सहायता और से उसको जो है रोड तक पहुंचाया और उसको जो फर्स्ट एड दे के जो क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में दाखिल कराया।